आज वाराणसी में छात्र छात्राओं ने देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी व आर्थिक संकट के खिलाफ दरिद्रता भगाने के लिए सुसमागी में सूप पीट कर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव अमित राय ने कहा कि हमारे समाज में यह सदियों पुरानी परंपरा है कि सूप पीट कर घर से दरिद्रता भगाई जाती और इस समय पूरे देश पर दरिद्रता का साया है। सरकार की दूषित नीतियों के कारण बेरोजगारी में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। रोजगार देने के स्थान पर रोजगार छीने जा रहे हैं। नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई है। देश का युवा हताश परेशान है, कोई भी उनकी बात सुनने वाला नहीं है। देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है, इसीलिए दरिद्र रूपी साय को देश से भगाने के लिए आज युवाओं ने अपने समाज की पुरानी परंपरा के अनुसार सूप पीट कर विरोध प्रदर्शन किया।